हेलो एवरीवन, आज कल मार्केट में ताज़ा ताज़ा छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं, तो इनमें मसाला भरकर आज मेरी मम्मी बना रही है ये चटपटे भरवा बैंगन। ये मसालेदार बैंगन बच्चों को भी खूब पसंद आएंगे। मेरी मम्मी के हाथों से बने ये मसालेदार भरवा बैंगन की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे 2 छोटे साइज़ के प्याज, इन्हें लंबा लंबा काट लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे आधा किलो छोटे वाले बैंगन को धोकर पेपर टॉवल से क्लीन कर लिया है। अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। एक बोल में डालेंगे 1/4 कप धनिया, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश गार्लिक का पेस्ट। अब इस मसाले को थोड़ा मॉइस्चर देने के लिए अब इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते याद आया कि इसका एक मेन इंग्रेडिएंट तो डालना भूल ही गए। ये मेन इंग्रेडिएंट है अमचूर पाउडर। इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, तो आप भी इस इंग्रेडिएंट को मिस मत कीजिएगा। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इस तरह से मसाला बंध जाना चाहिए। तो हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। अब हम ये बैंगन में नाइफ से कट लगा देंगे। इतना ही कट लगाएंगे कि ये खुले भी नहीं और मसाला भी आसानी से भरने में आ जाए। जब भी आप ये भरवा बैंगन बनाएं, बैंगन को पहले से ही कट लगा के नहीं रखें, वरना ये बैंगन काले पड़ जाएंगे। इस तरह से आप पहले सभी बैंगन में नाइफ की हेल्प से कट लगा लीजिए। ये देखिए, सारे बैंगन में हमने कट लगा लिया है और अब इसमें दबा दबा करके अच्छी तरह से मसाला भर देंगे। ये जो हमने मसाला तैयार किया था, ये 1/2 किलो बैंगन के हिसाब से हमने तैयार किया था। आप जितनी भी क्वांटिटी में बैंगन ले रहे हैं, उस हिसाब से आप मसाले की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी बैंगन में मसाला भर दिया है अच्छी तरह से। ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार लगेंगे। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। बैंगन सरसों के तेल में बनाएंगे तो इनका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखें कि तेल बहुत अच्छी तरह गरम होना चाहिए, वरना कच्चे तेल में पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गरम तेल में मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और जीरा भी डाला है और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए हैं। इन प्याज के साथ ही हम बैंगन भी डाल देंगे। अब इनको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इन्हें थोड़ा सावधानी से मिक्स कीजिए, नहीं तो सारा मसाला बैंगनों में से निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पाँच मिनट के बाद एक बार फिर से हम इन बैंगन को हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करना ज़रूरी है ताकि जब बैंगन अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाए और फिर हम इसे वापस से ढक देंगे। तीन से चार मिनट के बाद ये बैंगन लगभग आधे पक चुके होंगे, तब हम इनमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे।
ये देखिए पानी भी इस तरह से डाला है कि चारों तरफ फैल गया है पानी, और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब जो हमारे पास थोड़ा सा मसाला बाकी रह गया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इन बैंगन को सिर्फ पकाना है, बाकी सारे मसाले तो हमने भरते समय इसमें ऐड कर दिए थे, ऊपर से कोई मसाला नहीं डालना है। इन्हें थोड़ा मिक्स करके अब वापस से हम इसे ढक देंगे। अब ढक कर के इसे 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। लगभग 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। ये देखिए चटपटे भरवा बैंगन बिल्कुल तैयार हैं, लग रहे हैं ना मज़ेदार। आप भी बनाइए ये भरवा बैंगन की सब्ज़ी। 2 रोटी अगर आपकी भूख होगी आपको, तो आप 4 रोटी ज़रूर खा जाएंगे। और इसमें इतना मसाला है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, उनको भी ज़रा सी मिर्ची नहीं लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी सबको। तो प्लीज़ ट्राई करें मेरी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।